हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आउटपुट हैंडलिंग इन C++, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सी आउट स्टेटमेंट की मदद से। सबसे पहले सीखते हैं कि हमारे पास आउटपुट हैंडलिंग से क्या मुराद है। आउटपुट हैंडलिंग से हमारी ये मुराद होती है कि हम लोगों ने कोई भी डाटा को हमने आउटपुट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी डाटा को अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना हो तो हम लोगों ने लिखा डिस्प्ले सम डाटा टू स्क्रीन। इसी तरह आउटपुट हैंडलिंग की एक और एग्जाम्पल हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ डाटा जो है राइट करना हो, यानी कि आउटपुट करना हो किसी फाइल के ऊपर या किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर। आज हम लोग वीडियो में इस आउटपुट हैंडलिंग में पहली चीज को समझेंगे कि अगर हमने अपने प्रोग्राम की मदद से किसी भी डाटा को आउटपुट करना हो अपने मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर तो ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, और फिर इसी C++ की आगे वाली वीडियोस में जाकर हम लोग डाटा को फाइल में आउटपुट करना भी सीखेंगे। जब भी हमने मॉनिटर के ऊपर किसी चीज को डिस्प्ले करवाना होता है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सी आउट स्टेटमेंट का, जो कि C++ के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्टेटमेंट है। यह हमारे पास हेडर फाइल iostream.h को इस्तेमाल करती है, यानी जब कभी भी हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर सी आउट की स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये हमारे पास सी आउट क्या काम करती है और सी आउट का जो कोड है इटसेल्फ वो हमारे पास मौजूद होता है iostream.h की हेडर फाइल के अंदर। इस बात का ये मतलब है कि अगर यहाँ पर हमने अपने कोड के अंदर किसी चीज को प्रिंट करवाना है अपने मॉनिटर के ऊपर तो सबसे पहला काम हमने ये करना होगा कि हम लोग इंक्लूड कर दें अपनी हेडर फाइल iostream को इस प्रोग्राम के अंदर, और फिर इसको जब हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया तो अब हम लोग सी आउट का स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे और टेक्स्ट को या डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यूज को अपनी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देंगे। यहाँ पर अगर इसके सिंटेक्स की बात की जाए तो कुछ इस तरह का होता है। हम लोग सी आउट का कीवर्ड यूज करते हैं, फिर दो लेस देन के साइन जिनको इंसर्शन ऑपरेटर कहा जाता है वो लिखते हैं, और उसके बाद फिर सेमी कॉलन्स के दरमियान में टेक्स्ट लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि अपने मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करवा दें। इसी तरह अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो बिल्कुल पहले की तरह सी आउट का कीवर्ड, दो लेस देन के साइन यानी कि इंसर्शन ऑपरेटर, और फिर उस वेरिएबल का नाम। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, यानी कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं जो हमारे पास ये मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, प्रिंट सम टेक्स्ट। तो यहां अपने हम लोग फाइल में प्रोग्राम में मौजूद हैं, और सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी नेम स्पेस को इंक्लूड करवा लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD। उसके बाद अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं और यहां पर कोड लिखते हैं। तो हमने कुछ टेक्स्ट प्रिंट करवाना है तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सी आउट की स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद हम लोग सेमी कॉलन्स लगा के वो टेक्स्ट लिख देंगे जो हम लोग चाहते हैं हमारे मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं आई लव पाकिस्तान, और इसको स्टेटमेंट को हमने हमेशा एंड करना है एक सेमी कॉलन के साथ। अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल Code 1 के नाम से, और अब इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट में जाकर कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो चीज हम लोग प्रिंट करवाना चाहते थे वो यहां पर हमारी आउटपुट पर प्रिंट होकर आ गई है, यानी कि आई लव पाकिस्तान। तो ये हमने अपनी एग्जाम्पल का पहला हिस्सा कर लिया। अब उसके बाद हमें कहा जाता है प्रिंट सम वेरिएबल्स, यानी यहां पर अपने प्रोग्राम के अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए जिसकी वैल्यू सेट कर देते हैं 5। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करवा सकूं, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग सी आउट कर देंगे इस वेरिएबल की वैल्यू को, किस तरह, यहां पर सिंपल इंसर्शन ऑपरेटर के बाद इस वेरिएबल का नाम लिख के जो कि है ए, यहां पे हमने सेमी कॉलन लगाया और स्टेटमेंट को एंड कर दिया। इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि ए की जो वैल्यू थी जो कि थी 5 वो यहां पर आके हमारे पास प्रिंट हो गई है, यानी हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब इसी तरह अगला काम क्या है, हमने कुछ टेक्स्ट को भी प्रिंट करना है और वेरिएबल्स को भी प्रिंट करना है, और मैं चाहता हूं कि ये काम मैं एक ही लाइन में करूं, यानी इसको मैं दो लाइंस में भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं पहले की तरह यहां पर टेक्स्ट प्रिंट करवाने के लिए यहां पर लिख दूं यहां पर हम लोग लिख लेते हैं आई लव पाकिस्तान, और यहां पर इस स्टेटमेंट को हम लोग एंड कर दें तो जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद ए की वैल्यू भी लिखी आ जाएगी। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं
तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं आई लव पाकिस्तान और फिर ए की वैल्यू जो के थे 5। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दोनों काम मैं एक ही स्टेटमेंट में करूं, ये दो दफा मुझे स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े। तो ये काम भी हम लोग बआसानी कर सकते हैं। किस तरह? हमने पहला इंसर्शन ऑपरेटर लगाया और उसके बाद टेक्स्ट लिख दिया। अब इसके बाद अगर मैं कोई और चीज प्रिंट करवाना चाहता हूं, जिस तरह यहां पर हमने कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा इंसर्शन ऑपरेटर का और उसके बाद ए टाइप कर दूंगा। इससे क्या होगा कि पहले मेरे पास ये वाली चीज प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद ये वाली चीज प्रिंट हो जाएगी, और ये दो स्टेटमेंट्स में जो पहले हम काम कर रहे थे वो अब हमने एक ही स्टेटमेंट में कर लिया। एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं आई लव पाकिस्तान और 5। अब यहां पर एक और हमें मसला नजर आ रहा है आउटपुट में कि ये 5 इस पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो गया है। मैं चाहता हूं कि ये 5 जो है एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि पहले आई लव पाकिस्तान, फिर एक लाइन छोड़ दी हमने और अगली लाइन में 5 लिख दिया। अब ये पूरा काम भी हम लोग एक ही स्टेटमेंट में कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमने इंसर्शन ऑपरेटर करा के टेक्स्ट लिखा, फिर हमने एंड एल लिखा और फिर हमने ए लिखा। अब इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि सेम चीज प्रिंट हो चुकी है। पहले इस टेक्स्ट को आउटपुट किया गया, फिर एंड एल वाली चीज को रन किया गया और फिर ए की वैल्यू को आउटपुट कर दिया गया। तो यहां पर हमने देखा कि हम लोग आउटपुट को किस तरह हैंडल करते हैं सी प्लस प्लस में, और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो हमने देखा कि अगर हमने किसी भी चीज को डिस्प्ले कराना हो अपने मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर, तो वो काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, और फिर हमने उसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखी। थैंक यू स्टूडेंट्स।